चैप्टर था वो फिनिश कर लिया था, और उसमें लास्ट टॉपिक था अपना इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम सर्वे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ आपका 15 चैप्टर 15 इन्वायरमेंटल इश्यू। आज इन्वायरमेंटल इश्यू के बारे में स्टडी करेंगे हम। इन्वायरमेंटल इश्यू देखो, नेम से इंडिकेट है इन्वायरमेंटल इश्यू, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यू इश्यू मतलब लिख देना इसको, एक बार एक मिनट के लिए लिख रखा ना इश्यू। वैसे उसकी कॉपी करवाई स्टूडेंट की तो देख रहे इन्वायरमेंटल इश्यू, ये तो छोटी मत लगाना। तो देखो भाई, इन्वायरमेंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग रीजन ऑफ अर्थ जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी के लिए, उसको क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे हम उस पर पढ़ते हैं भाई मून या दूसरे प्लैनेट्स, उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो है ही नहीं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को तो डिफाइन करने का कोई होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में कर रहा हूँ पॉल्यूटेंट से, ठीक है। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, वैसे इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, सबसे पहले पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट सोर्सेस, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन जैसे एयर पॉल्यूशन, सोयल पॉल्यूशन और आपका नॉइस पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे जो आपके लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ओके। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ और ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन ओजोन डिप्लीशन के बारे में स्टडी करेंगे, डिफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन, ठीक है। और भाई जो सीरियस ट्रीटमेंट है वो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे। फिर इसके बाद चिपको मूवमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, बस ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले पोल्यूटेंट करेंगे, पोल्यूटेंट होता क्या है, पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट पोल्यूशन और पोल्यूटेंट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट थिंग है। तो पोल्यूटेंट क्या होता है भाई, पोल्यूटेंट तो पोल्यूटेंट को कैसे डिफाइन करोगे आप, पोल्यूटेंट क्या होता है, एक वो अनडिजायरेबल या अनवांटेड सबस्टांस जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होकर उसको स्पॉइल कर देता है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बनता है, या आप बता सकते हो द अनडिजायरेबल और अनवांटेड सबस्टांस विच कॉज पोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं पोल्यूटेंट, ठीक है। लिखो द अनवांटेड अनवांटेड और अनडिजायरेबल डिजायरेबल सबस्टांस सबस्टांस विच कॉज पोल्यूशन, विच कॉज पोल्यूशन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं पोल्यूटेंट, ठीक है। तो पोल्यूटेंट की डेफिनेशन कई बार आ जाती है, व्हाट इज पोल्यूटेंट, ठीक है। आप बताओ कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट,
different type of pollutant एडिक या पोलूटेंट बता दो, जैसे CO2 हुआ और प्लास्टिक हुआ, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, प्लास्टिक केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, etc. are added in our environment and cause different type of pollution and cause different type of pollution, like water pollution or air pollution. Noise pollution, or soil pollution, etc. Publication of classification of pollutant. जो pollutant होते हैं उनकी classification of pollutant. पोलुटेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलुटेंट, तो इन बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे आपके। हम भाई जो पोल्यूटेंट था उसको थ्री बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले उन बेसिसों पर परसिस्टेंट के बेसिस पर हम दो तरह के पोल्यूटेंट बताते हैं, या दो टाइप के पोल्यूटेंट होते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? वो पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट, जैसे कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं या मैनमेड भी हो सकते हैं। जैसे कि नेचुरल क्या होंगे, जैसे CO2 हुआ, डस्ट पार्टिकल्स हुए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सारे। और मैनमेड कौन से होंगे, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हुए, प्लास्टिक हुआ, थर्माकोल्स हुआ, और बोटने हुए, ये सारी क्या है आपके मैनमेड पोल्यूटेंट। ओके, तो अगर कोई पूछ लेता है व्हाट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो क्या बताओगे? वो पोल्यूटेंट, दोज पोल्यूटेंट्स व्हिच डायरेक्टली एडेड इन आवर एनवायरनमेंट, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट। एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं? वो पोल्यूटेंट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में इंट्रैक्शन होने के कारण बनते हैं, ठीक है। जैसे दो प्राइमरी पोल्यूटेंट या दो से ज्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में इंट्रैक्ट करके उन्होंने एक नया टाइप का एक पोल्यूटेंट बना दिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अगर कोई डिफरेंस पूछ लेता है व्हाट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, तो डायरेक्टली एडेड पोल्यूटेंट प्राइमरी, और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के इंट्रैक्शन से जो पोल्यूटेंट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो केमिस्ट्री में आपने कोई फटाफट एग्जाम्पल बता सकते हो सेकेंडरी पोल्यूटेंट? आपने पान पढ़ा होगा, PAN, पान। पान क्या होता है? PAN, पढ़ा नहीं अब तक? पान
पानपी फॉर पॉलिंग पॉलीऑक्सीन एसआई नाइट्रेट। ठीक है, ये कैसे बनता है? जब नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तब क्या बनता है? पान। ठीक, तो फाइनल एग्जाम में भी आता है ये, व्हाट इज पान। ठीक है, पहले तो आपको फुल फॉर्म बताओनी चाहिए, पान पान पॉलीऑक्सी एसआई नाइट्रेट। ठीक है, या पॉलीएक्राइल नाइट्रेट भी हो। ठीक है, पॉलीएक्राइल नाइट्रेट। ओके, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच इज फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉलीटेंट। ठीक है, तो आपने वो पॉलीटेंट सिलेक्ट करना है जो दो प्राइमरी पॉलीटेंट के इंटरेक्शन से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही स्मोक, स्मोक भी क्या है? सेकेंडरी पॉलीटेंट है। क्यों? क्योंकि स्मोक कैसे बनता है? स्मोक प्लस में फॉग। जब धुआं और कोहरा मिल जाता है तो तब स्मोक बनता है। जैसे अपनी ये पुरानी जलाई जा रही थी तब क्या था, धुआं ज्यादा निकल रहा था। और वो अब जैसे वो कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन के बाद इरिगेशन ही करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं के लिए वो पानी दिया कर यार, पड़े पड़े मतलब गेहूं की पड़े कर रहे थे, तब क्या था उसे वो फोग बन रहा था। फोग और स्मोक दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? स्मोक। तो वो भी क्या? सेकेंडरी पॉलीटेंट। ठीक है, तो बता दोगे ना इसमें? तो लिखो अब ऑन बेसिस ऑफ परसिस्टेंस, पहले केस में लिखेंगे क्लासिफिकेशन में ऑन बेसिस ऑफ परसिस्टेंस, ऑन बेसिस ऑफ परसिस्टेंस। तो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट लिखिए, लिखो इसमें प्राइमरी पॉलीटेंट, तो प्राइमरी पॉलीटेंट की डेफिनेशन लिखो, द पॉलीटेंट डायरेक्टली एडेड बाई या एडेड इन द पॉलीटेंट विच डायरेक्टली एडेड इन एनवायरमेंट दैट कॉज पॉल्यूशन एंड दैट कॉज पॉल्यूशन। भाई कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट है जो डायरेक्टली एनवायरमेंट में एड कर दिए जाते प्रो पॉल्यूशन का कारण बनते। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के दे में भी नेचुरल नेचुरल और मैन मैड, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मैड भी हो सकते हैं। लाइक CO2 कॉमा हाइड्रोकार्बन नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक है, जिससे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। CO2 एक पॉल्यूटेंट नहीं होता है जो हमारे ओजोन डिप्लीशन का भी कारण होगा। ठीक है, CO2 CFC और ओजोन ये नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन और भी बहुत सारे प्लास्टिक थर्माकोल ये सारे क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और लिख लो, लिखो प्लास्टिक थर्माकोल। हां, थर्माकोल को अगर जलाओ तो पूरी तरह नहीं जलता ना, जल पूरी तरह से, भाई पूरी तरह से जल जाता है और उससे तो बिल्कुल ब्लैक स्मोक निकलता है। आप उड़ा करते मतलब साइड में या आप सिक रहे हो तो क्या होगा, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जैसे एक ढेर है पूरा, मानो कमरे जितना उसको जला दो इतना बन जाएगा। ठीक है, अखबार वगैरह उनको भी जलाते तो वो कागज
हाँ एस वन जस्ट सर से जो सी ए एम क्यों आएगा सर सी एम कैम प्लान बोलते हैं कैम प्लान होगा अरे तू क्या करता रहता है ये कैम प्लान कर सुनिए ना ऐसे जो मेटा बोलिजम प्लान हाँ ठीक है थोड़ा तो वही कसु सी आर यू डबल एस एल एल ई एन कर्सुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट वो प्लांटिंग जो ये कौन से होते हैं वो प्लांट जो रात को नाइट को फोटोसिंथेसिस करते हैं ठीक है दोस्त प्लांट्स में इसको फॉर्म फोटोसिंथेसिस है नाइट ऑफ ठीक है जैसे कि एलोवेरा हुआ अपनसिया हुआ अगेन हुआ ब्रायफाइलम हुआ ये सारे डेजर्ट प्लांट होते हैं ठीक है लेंथ क्लास में करवाया था ये क्लास का कर्सुलियन तो पानी मत डालो उसमें उगा ऐसी सर्वाइव लिखो स्कैंडी पोलुटेन स्कैंडी पोलुटेन लिखेंगे स्कैंडी पोलुटेन कौन से होते हैं लिखो लिखो द पोलुटेंट विच फॉर्म्ड द पोलुटेंट विच फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पोलुटेंट द पोलुटेंट विच फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पोलुटेंट में इंटरेक्शन होने के कारण जो पोलुटेंट बनते हैं उसको स्कैंडी पोलुटेंट बोलते हैं ठीक है उसको लगा कि when primary pollutant interact interact and formed another pollutant कोमा लगा के that increase the toxicity भाई जब दो पोलुटेंट मतलब दो टाइप के जहर मिलेंगे तो एक और भी जहरीला पदार्थ बनेगा ना तो ऐसे ही जब दो पोलुटेंट आपस में मिलते हैं जैसे स्पीड बॉल बता रहा जो एडिक्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं एक ऐसा टाइम आता है उनको नशा होना बंद हो जाता है ठीक है तो हमारी बॉडी की भी जो न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है इसलिए क्या है जैसे जो पहले एक बोतल पिया करते वो दो बोतलों से भी नशा नहीं होता देखा होगा जो ना भाई जो नशा करते हैं अरे बट जो बहुत ज्यादा पीते हैं ना उन पर नशा होना बंद हो जाता है वो फिर उनको कई बोतलें पीनी पड़ती है नशे पानी तो ऐसे केस में क्या करते हो वो उसे दूसरे केमिकल्स को आपस में मिला के तब पीते हैं जैसे सिगरेट का वो होता है ना सिगरेट का जलने के बाद जो एस बचती है उसको डाल लेते हैं इससे बिल्कुल टॉक्सिक अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए ना तो जहर बन जाता है वो मर जाता है ठीक है जैसे एक वो नहीं आता था बहुत सारी मूवीज में भी दिखाते हैं जैसे वो चोर आपस में बैठे दारू पी रहे एक मंकी वाली मूवी थी कौन सी आखिर वो क्या करता है जैसे सिगरेट पी रहे थे तो उस बंदर ने क्या किया उस बंदर के मालिक को वो पकड़े हुए थे ज-
किस रूप तो वो क्या करता है बंदर अंदर सिगरेट पीकर उसके गिलासों में वो डाल देता है उसमें एस को डाल देता है और तो वो पीते ही लौट जाते हैं तो जहर बन जाता है वो ठीक है। अगर किसी को ये उसका एस डाल के पिला दो तो डेथ भी हो जाती है ठीक है। और एल्कोहल्स के साथ ही जैसे आपने शादी या उसमें देखा होगा उस पर्सन से जो एल्कोहलिक है एल्कोहल्स यूज करे उसके साथ सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट साथ में पीना और भी टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है और भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कभी भी शराब के साथ अगर कोई सिगरेट का यूज कर रहा है तो उसको मना करो ठीक है। तो वो भी भोजन हो सकता है क्योंकि सिगरेट में बहुत सारे टॉक्सिक होते हैं जो अल्कोहल से रिएक्ट करके और भी ज्यादा एक स्कैंडी पोटेंट बना देते हैं एक तरीके से या स्कैंडी टॉक्सिक जो हमारी बॉडी को और भी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज कोमा लगा के दिस फिनोमिना इज नोन एज सिनर्जियम। ये फाइल में आता है इसको अंडरलाइन कर लेना व्हाट इज सिनर्जी सर। जैसे जो है दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है ये तो डीकंपोज हो गए डीकंपोज वो क्या करते हैं उससे जो वैसा होता है ना बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं उसको तो निकाल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल को रोजाना इतने बड़े में नहीं रोजाना ऐसा करते हैं जैसे वहां पर बहुत सारे आदमी देखे होंगे ऊपर ठीक है सर आज मतलब जला भी नहीं कर सकते जैसे वो क्या करते हैं जैसे जो ट्रक आता है ना कचरे का उससे छटाई की जाती है जैसे प्लास्टिक सिरिंज या कांच कूंच ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको तो अलग कर दिया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल वही डालते हैं। हाँ जैसे तीन तरह के डस्टबिन होते हैं रेड ब्लू ग्रीन ठीक है। जैसे अच्छे हॉस्पिटल है ना आप जाके देखोगे वहां पर तीन तरह के डस्टबिन लगे होते हैं रेड में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल डाले जाते हैं एक पीढ़ी का ठीक है। तो वो रेड में नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि सिरिंज हुई या जो इंजेक्शन लगाने के बाद जो भी डिस्पोजेबल सिरिंज बचती है वो या जो बोतलें होती हैं वो डाल देते हैं ठीक है। या कोई सर्जिकल ब्लेड है वो डाला जाता है ठीक है ताकि जो भाई बहुत ही अगर हम अपने कूड़े में ये मिक्स कर देते हैं नीडल नाडल सब कुछ एक साथ डाल देते हैं तो जैसे ये कूड़ा गिरता है ना जहाँ पर जैसे बहुत सारी गायों की डेथ इसलिए हो जाती है ये डॉक्टर अपने वेस्ट को क्या करते हैं एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं फेंक देते हैं। अब हॉस्पिटलों में क्या बहुत सारे ऐसे परिवार है जैसे खाना लेके जाते हैं पेशेंट के लिए भाई वहाँ का खून ऐसा खाना खाता है बच जाता है तो उसे डस्टबिन में डाल देता है तो उसी में वो नीडल डल जाते हैं सब कुछ और वो कई बार गायें हुई फिरते रहते हैं ना ये मार्केट में या शहर में तो वो खा जाते हैं खाते डेथ हो जाती है। तो कभी भी ऐसा मत करो ठीक है। तो ये पीछे सर्वे हुआ था बहुत सारी गायों की डेथ इसके कारण हो रही है वो सीरिंज जाके उनके एलिमेंट्री कैनाल में घुस जाती है और निकलती है जिसके कारण डेथ हो जाती है बेचारी। तो हमेशा एक सिविलाइज नागरिक सिटीजन का रोल प्ले करो कहीं पर भी हॉस्पिटल या वहाँ पर जाते हो तो जो डस्टबिन है उसको देख के तब वो डालो अपना कूड़ा का जो ग्रीन होता है उसमें बायोडिग्रेडेबल डालो जैसे उसमें देखोगे तो ऑर्गन ऑर्गन कटे हुए मिलेंगे मानो किसी की उंगली कटेगी जुड़ी नहीं या किसी की ट्यूमर निकाला है या कोई फोड़ा फुंसी हो रहा है वो निकाला है या पस निकाल रही है या रसोली निकाल के सारा वही उसमें बड़ा मिलेगा ठीक है। तो ये नहीं है कि एक का उसमें मिक्स करते हैं ठीक है। तो देखना कभी आजाद पुर जाओ तो वहां पर सब कुछ वो सेपरेट करते हैं फिर जो बायोडिग्रेडेबल होता है ना मशीन भी है बड़ी बड़ी वो क्या करते हैं उसको पिना ही कर देती है। मान लो कि हमने अंदर से दो डस्टबिन रख दिए तो सर वो दोनों भर गए मैं अंदर से कहां डाल के आएंगे उनको भाई ये रोजाना ही आने लग गए दोनों मिक्स हो गया सर वो तो सारा कूड़ा एक ही उसमें करते हैं रिसाइकल दूसरे दिन दूसरे दिन क्या बनाते हैं जैसे पोलोथीन आजकल तो बड़ी बड़ी पोलोथीन आती है ब्लैक डस्टबिन में डाल के तब उसमें डाला जाता है
उनको अलग अलग उसमें रख दो ताकि वो छटाई करे ना तो उसको फूल लेता है। यहाँ पर तो कहाँ पर करते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, दिल्ली में करते हैं। हाँ दिल्ली में करते हैं, जो मेट्रो सिटीज होती है ना वहाँ पर, ठीक है। तो वही फिर भी अपनी तरफ से तो हमें अवेयर होना चाहिए, ठीक है। जैसे वहाँ पर वो छटाई करते हैं बेचारे, वो कई बार नीडल लग भी जाए, क्या पता कोई ऐसे नहीं। जैसे यहाँ जो कूड़े वाले आते हैं ना, नाली में से भी कूड़ा वही निकाल के लेके जाएंगे, सब कुछ मिल करके लेके आएंगे। हाँ वो तो फिर अपने यहाँ पे लोकलिटी में कहा ये इंजेक्शन इंजेक्शन वो है, बट जो जैसे इनका डॉक्टरों का वेस्ट होता है ना, जैसे ये वीर सिंह मलिक है यहाँ पे, ये सारे यही पर डाल देता था पहले, वो नहीं है पिनाई की वो लग रही थी यार स्कूल के पास, वहाँ पर जरा कचरा पड़ा रहा था, उसके साइड में रोड पे भी फैला रहा था, पट्टी पट्टी वही इंजेक्शन है, वहाँ पर गाय फिरती रहती है। दिल्ली सुन ले, अपनी बाइक पर बैठ के जब दो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक और भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सिनर्जी, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के लाइक पान, PAN पान, पान पान इसकी वही पॉली ऑक्सी एसाइल एसाइल नाइट्रेट या पॉली एक्राइल नाइट्रेट भी बोलते हैं, एक्राइल एक्राइल ACRY एक्राइल नाइट्रेट। ठीक है, या फॉर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, फॉर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है सॉरी वो भी लिख लो, फॉर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। Is a secondary pollutant. Is a secondary pollutant which formed by interaction of hydrocarbon and nitrous oxide. जो nitrous oxide है और hydrocarbons आपस में react करते हैं तो तब भी पान बन जाएगा। और सबसे harmful pollutant होता है। इंट्रैक्शन अमन दा या हाइड्रोकार्बन एसिड और एसिड एसिडिटी का नाम बताओ जिसमें सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चलते हैं। सर ऐसे तो कोई भी वो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी नहीं है सर। रुको एक बार, जो क्या लिखा था अमन दा, इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएनजी बनाना और सारे डीटीसी रोडवेज इंदौर ट्रक भी सीएनजी चलता है, इंदौर होगा इंदौर चल रहा है, दिल्ली में भी सर डीटीसी की बस सारी ट्रक भी उड़ता है सीएनजी में, बड़े बड़े ट्रक
ये मेट्रो ने क्यों कचला हुआ सी मेट्रो नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बस आ गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मैंने कह दिया तो जान दो सारे पैसे भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेल ज्यादा नहीं लगे कौन सी है तेल वाली भी चलती है कौन सी है सिटी कौन सी है बस सिटी का कॉल भाई इंदौर वैसे सबसे वो है सर एक आदमी भी मिलेगा जो हमसे यहाँ चिपकी चलती होगी बिल्कुल सारे तो नहीं फिर तो दिल्ली ही मिलेगा भैया दिल्ली सारे सीएनजी पे हाँ तू भी सीएनजी पे था अरे जो अपने आ जाएगी जहाँ पर एक और भी इसलिए दस पेट्रोल तो चलना पड़े पेट्रोल अभी भी चल स्मोक भी है स्मोक 800 या नोट में लिख लो कैसे लिख लो स्मोक 800 ये स्कैंडी पोल्यूटेंट स्मोक भी एक स्कैंडी पोल्यूटेंट होता है ब्रैकेट में लिख देना स्मोक प्लस में स्मोक या स्मोक प्लस में स्मोक जब वाटर वेपर हो रही दो धुएं के कण आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है स्मोक अरे बस भाई अब नेक्स्ट लिखो ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस के बेसिस पे भी दो टाइप के होते हैं एक तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ठीक है तो इसमें लिखो क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्यू यू ए एन टी आई टी ए टी आई वी क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट ये क्वालिटेटिव होता है क्वांटिटेटिव होता है क्वालिटी क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं क्वालिटी का सर उसकी मतलब कितनी अच्छी चीज है और क्वांटिटी अरे पोल्यूटेंट अच्छा तो देखो हां मैं बताता हूं क्वांटिटी कौन से होते हैं वो पोल्यूटेंट जो नेचर में प्रेजेंट है जनरली नेचर नेचर में पाए जाते हैं बट उनकी लार्ज अमाउंट ह्यूमंस एक्टिविटी के द्वारा रिलीज जाते हैं जैसे धूलकण है धूलकण वैसे तो एक नेचुरल पोल्यूटेंट है बट उनकी लार्ज अमाउंट ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा की जाती है जैसे माइनिंग करते हैं या जो सीमेंट बनती है माइनिंग जब उस पत्थरों को ब्लास्ट किया जाता है ना बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं उसके जैसे डायनामाइट लगा के देखा होगा हाँ वो लगा के उसको ब्रेक किया जाता है इससे बहुत धूल उठती है ठीक है तो धूलकण डस्ट पार्टिकल्स एक नेचुरल पोल्यूटेंट नेचर में प्रेजेंट है बट उनकी लार्ज अमाउंट किसके द्वारा ऐड की जा रही है ह्यूमंस के द्वारा CO2 है CO2 वैसे नेचर में प्रेजेंट है बट हम कम्बशन ऑफ फ्यूल ठीक है और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इनके कारण क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 हम इन्वायरमेंट में ऐड करते जा रहे हैं ठीक है तो ये सभी क्या होते हैं क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स ठीक है लिखो द पोल्यूटेंट विच जनरली प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट द पोल्यूटेंट विच जनरली प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट बट देयर लार्ज अमाउंट एडेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी बट देयर लार्ज अमाउंट एडेड बाई गुड मॉर्निंग एडेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उनकी अमाउंट ज्यादा एड कर दी जाती है ठीक है नोन एज
उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव, नोट डैश लगा देना। लाइक CO2 एंड डस्ट पार्टिकल्स, CO2 एंड डस्ट पार्टिकल्स। कॉमा लगा के दे आर नेचुरल पोल्यूटेंट बट देयर लार्ज क्वांटिटी इज एडेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल ऑटोमोबाइल्स, माइनिंग और सीमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई, फिर इसको आगे क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव लिखते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वालिटेटिव कौन से होते हैं जो नेचर में नहीं प्रेजेंट, वो ह्यूमंस के द्वारा ऐड किए जाते हैं। देखो द पोल्यूटेंट विच डज नॉट प्रेजेंट इन अवर नेचर, the pollutant which does not present in our nature but directly added by human activity, उनको क्या बोलते हैं, qualitative pollutant। the pollutant which does not present in our nature but directly added by human या ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि हम अपने खेतों में इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो सारे क्या है आपके क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। ठीक है, एग्जांपल लिख दो, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। ये हमारे नेचर में थोड़ा सा एजेंट है, ये तो हम अपनी एग्रीकल्चर में जो हार्मफुल पेस्ट को या इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड केस में लिखेंगे ऑन बेसिस ऑफ डिस्पोजल या डिस्पोज, डिस्पोज के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यही पर रखा होगा दो तरह का, तो लेकिन फर्स्ट थिंग बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, अरे विक्स एंड वो कार्सिनोजन है, फॉरेन कंट्री में बैन कर रखा है विक्स को, पता है आपको, अमेरिका चाइना रूस में इसको बैन कर रखा है, कोई यूज नहीं करता इसको रोज, क्यों, अरे नहीं क्यों, काम कर इसका वो देखना गूगल पे डिस्क्रिप्शन, क्यों काम भाई कर दिया होता है सर, गूगल पे लगा दिया है कि इससे जो सर हम बोल रहे थे खाओ सर, गूगल पे लगा दिया है कि जो है देख सकते हैं हम में सुअर की चर्बी वाला डिलाई करती है, हां मुला है, हां सर काम में ये मुला है क्या है, ये आपके रेस्पिरेटरी या दवा रेस्पिरेटरी को देना क्या चाहते हैं आप, ले लेना सर, सुनो देखो ये दो काम कर रही है, बड़ी खुशी होती है ये मुलायम, ये तो सर ये चुपके तो देती नहीं है, हाँ जब हाँ मिल जाते होगे तो मुलायम, ये कफ में कॉमन कोल्ड में आपके लंग से रिलेटेड जितने भी डिजीज है ना सबको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और एक इसमें क्या है, वो प्रेशर का भी काम करती है, अरे नहीं वैसे तो रखी है ये मूड की लकड़ी थी, मैं उस शाफ के साथ आ जाइए, ठीक है
मीठी मीठी लगती है और वही एक आवाज को भी आवाज को सुरीली बनाती है जो स्पीकर होते हैं ना पिच को हाई कर देती है ये। ठीक है हमारी जो पिच है अगर जिसकी ज्यादा ज्यादा लाउड साउंड हो ना तो वो भी खास ठीक है कोयल जैसी आवाज हो जाएगी ठीक है ये सारे वो खाते इसकी मलाइटी की टैबलेट मुंह में भी आती है ठीक है और एक आपके टन को टीथ को क्लीन करती है भाई ठीक है बहुत अच्छी रहती है एक दो बार खाओगे ना कभी छाती कहते हैं ना उसमें लंग्स में इन्फेक्शन है तो तब खा लो गर्म पानी पियो और ये बिल्कुल ठीक हो जाओगे इतनी बढ़िया मेडिसिन है नेचुरल तो इनको बिल्कुल हेल्दी रहे ये दो ऐसे नेचुरल कंटेंट है लंच बिल्कुल लिखो भाई चलो देख लेना बायोडिग्रेडेबल कॉलोरेंट लिखेंगे सर इसको पानी में भी पूछ सकते हैं इसको पानी में भी डाल देना पानी या पानी में भी डाल देना शुगर कंट्रोल करके सर ना कंट्रोल करके इसका मुलाइटी का पेड़ लगा लो अपने वो भी चलना नहीं है भगवान जब मैचोर स्टेम हो तो उसकी छोटी छोटे पीसेस करके सुखा लो 25-30 रुपए का पैकेट आता है इतना छोटा उसमें 4-5 लकड़ी आती है तो भी बैग में सब रखा करो अपने ये बैक्टीरियल ये एंटी जर्मी साइड भी होती है माउथ के हार में बैक्टीरिया को किल करेगी अगर किसी के माउथ से बैड स्मेल आती हो ना तो तब भी यूज करो तो देखो और हम करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल लिखो लिखो द पॉल्यूटेंट या दोज पॉल्यूटेंट मिक्सिंग लिखो द पॉल्यूटेंट मिक्सिंग degrade the pollutant which degrade or decompose the pollutant which degrade or decompose by microbial activity भाई कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी के द्वारा डिग्रेड या डिकम्पोज कर दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल नोन एज डैश लगा देते और ये डिस्पोजेबल पॉल्यूटेंट होते हैं एक तरीके से ठीक है जो डिस्पोज हो जाते हैं ओके लाइक dead organic body bracket में लिख लो plant animals leaf etc bracket बंद कर लो bracket बंद करके फिर comma paper leather paper paper leather cloth
हेयर वुड वेस्ट फूड एक्सरेटा एनिमल एक्सरेटा लिख लो यार एक्सरेटा ये सब क्या है भाई बायोडिग्रेडेबल ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वहां पे डिग्रेडेड से पहले डॉट लगा देना बस तो क्या लिखोगे दोस्त कॉन्सेप्ट किसी नॉट डिग्रेडेड और डीकंपोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो अरे भाई क्लास ऑनलाइन से हुई है यार मैं अरे थोड़े नो डिस्कशन तो उनको क्या बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है। एग्जांपल लिखो इसमें लाइक ग्लास हुआ जो ग्लास होता है शीशा होता है डिग्रेड नहीं होता ग्लास हैवी मेटल्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सर पैकेट्स वगैरह होते हैं ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे एलिमेंट्स लिखे हम कौन से हैं जरूरी सही है मैंने ऐसे कैसे मेटल नीचे पर सर नहीं होंगे जैसे ये लेज वगैरह पैकेट्स वगैरह नॉन बायोडिग्रेडेबल ये तो है प्लैनेट्स कह रहा है दो आगे तो पोलोटिंग नहीं तो सर पोलोटिंग बैंड बैंड का डीए क्यों बैठ गया फिर ये बताओ हाँ बेकूब
है ना भाई, वहाँ से पैसा मिल रहा है उनका भाई, वो इसलिए बैन नहीं, ठीक है। नहीं तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ये करते हैं, शैम्पू के छोटे पाउच होते हैं, ऑयल के पाउच होते हैं, इनमें तो पॉलिथीन इतनी हैवी होती है तो कितने दिन तक पड़ी रहे खराब भी होगी, ठीक है। बट वैसे ही है ये तो आपने गल सड़ जाते हैं, ठीक है। बट वो चाहे इनको जमीन में दबा दो चाहे हजारों साल तक पड़े रहेंगे ऐसे मिलेंगे आप, ठीक है। एंड सम इंसेक्टिसाइड, वो तो डिग्रेडेबल है, क्या है नहीं, किसी भी केमिकल से नहीं कर सकते हम, ठीक है। जला दो तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या सर, जैसे जो पकड़ी के पेड़ नहीं होते सर, बता दो मुझे इनको, मतलब अगर पपड़ी दबाओ तो ही वो हाँ पपड़ी क्या है, वो लेग में पोड है, उसमें फलीदार पे पेड़ होते हैं, पोड से नहीं मिला उसके अंदर सीड होता है, ठीक है, या सीड को निकाल के दबा दो सर, तो आया बस उसके लिए यूज होता है, किसी काम तो नहीं आता सर। ओ क्या तो और सम इंसेक्टिसाइड ब्रैकेट में डीडीटी लिख दो, डीडीटी की फुल फॉर्म बताइए, डीडीटी क्या है, पांचवी क्लास में आने स्टार्ट हो जाती है, नकुर बताएगा डीडीटी की फुल फॉर्म, एनीबॉडी कोई भी बताओ डीडीटी की फुल फॉर्म, सर परसों पढ़ा चुका था मैंने डीडीटी की फॉर्म आई नहीं थी, ऐसी कौन सी बता रहा है, नो मी माय ही इन माय चैप्टर में और फिर से ये बात समझ लो क्या है, मतलब है और रोहित तुझे भी नहीं पता डीडीटी की फॉर्म, दवाई है ना यार डीडीटी, यार डीडीटी वो होती है चावती, ये हमारे नेचर में वो नहीं डिग्रेड, इसलिए उसको बैन कर रखा है, बट कुछ फार्मर फिर भी यूज करते हैं डीडीटी, लिखो डाई और डाई डाई क्लोरो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन डाई क्लोरो डाई फिनाइल सर डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन सर चाय की बैन हो जाएगी आपके, अच्छा चाय चाय पत्ती ना है तो पत्ती हुआ है ना, अरे वो क्या वैसे बहुत तो चाय पत्ती शाम शाम नहीं खाने शाम आ जाने तो अरे चाय पत्ती वो नहीं, ये तो वैसे ना सर ठीक है भाई, तो इसकी प्रूफ फॉर्म याद रखनी है, ये यार आवाज क्यों करेगी कुछ हो जाए, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछ लेता है विच इंसेक्टिसाइड इज बैन इन इंडिया ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर तो उस डीडीटी बताओ, और आपने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा होगा, इसका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, जैसे आपने खेत में यूज कर दी ना, तो खेत में मान लो आपके प्लांट्स में चली गई वो 0.05% ppm, तो उस प्लांट्स को कौन एनिमल्स खाएंगे, हर्बीवोर्स, उनमें वो बढ़ जाएगी लगभग 2 ppm के आसपास हो जाएगी, ppm पार्ट पर मिलियन, और उस मान लो एनिमल्स को हमने खाया या उसका दूध पिया, जैसे गाय का दूध पिया तो हमारी बॉडी में आ जाएगी, और हमारी बॉडी में आगे लगभग वो 5 ppm कंसंट्रेशन हो जाएगी, और इतनी जो DDT हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन करेगी बहुत सारी डिजीज का काम करेगी, ठीक है, या फिश में जाएगी
जैसे मान लो एक्वेटिक हैबिटेट है भाई, हमने जीरी में यूज कर दिया स्प्रे, तो वो वहाँ से वोटर के साथ कंबाइन होके या तो अंडरग्राउंड वोटर में जाएगी या रेन फ्लो हैवी रेनफॉल होके वोटर के साथ फ्लो कर जाएगी किसी पॉन्ड पॉन्ड में, ठीक है। और वहाँ पे पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, और उन फिशों को जब बर्ड्स खाएंगे ना, बर्ड्स खाते क्या होगा, उनके जो एग की जो सेल होती है ना बाहर की कवरिंग होती है वाइट वाइट, वो क्या होगी, बिल्कुल इलास्टिक होगी और ऐसे एग से बच्चे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। इसलिए बर्ड्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, डीडीटी के इफेक्ट के कारण, ठीक है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा, जो टॉप कंज्यूमर होगा, ठीक है, जैसे सीगल, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना, सीगल इज द टॉप कंज्यूमर इन एक्वेटिक हैबिटेट विच फीड ऑन फिश, ठीक है। और सीगल में सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, जो वो एग ले करेगा ना, उसके अंडे वैसे तो टाइट होते हैं बिल्कुल, बट वो बिल्कुल इलास्टिक नरम होंगे और ऐसे अंडों से बच्चे नहीं निकल सकते, इसलिए क्या उसकी स्पीसीज खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, ठीक। तो इसलिए इनके साइड इफेक्ट है। अंडरग्राउंड मोटर में गई तो हम जैसे नलकूप या उससे पानी निकाल लेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो ये फिनिश हुआ भाई आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो पोल्यूटेंट सोर्स। भाई कहां से पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, वो स्पेसिफिक एरिया जहां से पोल्यूटेंट रिलीज इन आवर एनवायरनमेंट या एमिटेड इन एनवायरनमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, पोल्यूटेंट सोर्सेस। लिखो द सोर्सेस विच रिलीज पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट इन आवर एनवायरनमेंट नोन एज डैश लगा दे, फुल स्टॉप लगा के, ऑन बेसिस ऑफ एमिशन पोल्यूटेंट सोर्सेज में भी पोल्यूशन सोर्सेज में भी, तो डैश लगा देना आगे करके उधर निकले नहीं तो करते, ये पॉइंट सोर्स, मोबाइल सोर्सेज और डिफ्यूज सोर्सेज चार है, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे कल, ओके।